सिंथेटिक ट्रैक अनुमेय खिलाड़ियों व स्थानीय लोगों की एंट्री अब आसान नहीं होगी। एंट्री पास के लिए बकायदा उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा मासिक व वार्षिक शुल्क भी खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों से अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं। ट्रैक में हुड़दंग की वारदातों को देखते हुए खेल विभाग अब ये सख्त कदम उठाने जा रहा है ताकि ट्रैक को खराब होने से बचाया जा सके। आपको बता दें कि सिंथेटिक ट्रैक अणु में अब हर कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने सिंथेटिक ट्रैक के मुद्दे पर खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने उपायुक्त के समक्ष सिंथेटिक ट्रैक के रखरखाव को लेकर रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा मासिक और वार्षिक शुल्क लेने का भी प्रस्ताव खेल विभाग के द्वारा रखा गया था, जिस पर उपायुक्त ने तुरंत सहमति प्रदान की है। ऐसे में खिलाड़ियों को सिंथेटिक ट्रैक का उपयोग करने पर वार्षिक पंजीकरण शुल्क 100 रुपया और मासिक शुल्क 100 रुपया देना होगा, जबकि स्थानीय लोगों के लिए वार्षिक पंजीकरण 150 रुपया और मासिक शुल्क 250 रुपया रखा गया है। जिला खेल अधिकारी रविशंकर ने बताया कि उपायुक्त हमीरपुर ने सिंथेटिक ट्रैक का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने सिंथेटिक ट्रैक के रखरखाव को लेकर रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा मासिक व वार्षिक शुल्क लेने का प्रस्ताव खेल विभाग की ओर से दिया गया था, जिसे उपायुक्त ने सहमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा समारोह व आयोजनों के लिए भी शुल्क निर्धारित किए गए हैं, जो कि इस सप्ताह से शुरू कर दिए जाएंगे। जैसे कि विदित है कि कई सालों से यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक की जो व्यवस्था थी उन पे सवाल उठाए जा रहे थे, तो विभाग ने उस पे कार्य करके वहाँ पे डीसी महोदय के द्वारा वहाँ पे जो सुचारू रूप से वहाँ पे सेवा देने के लिए वहाँ पे कुछ शुल्क शुरू किए हैं, जिसमें उनका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1 साल के लिए 100 रुपये रहेगा, और जो नॉन स्टूडेंट है उनके लिए वो 150 रहेगा, और जो मासिक शुल्क है छात्रों के लिए वो 100 रुपया मासिक निर्धारित किया गया है, और जो अन्य हैं उनके लिए 250 रुपये मासिक वहाँ पे उनका फिक्स किया है, ताकि वहाँ की जो सफाई व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए और अनु स्टेडियम को जिला स्तर से उठाकर राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाया जा सके।